हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हम पढ़ रहे हैं सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन, और क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं यहाँ पर। कुछ किसी भी संख्या का हम कैसे पता लगाए कि कोई संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं? तो हमें यहाँ पर दो पॉइंट दिए गए हैं जो समझने होंगे, यानी इन पॉइंट से हम पता लगा सकते हैं यानी इन पॉइंट से हम पता लगा सकते हैं कि कोई संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं। जो पहला पॉइंट है, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का अंतिम अक्षर यानी इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8, 9 होगा। यानी अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं, इसका हम कैसे पता लगाए? अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 2 हो, 3 हो, 7 हो या फिर 8 हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। दूसरा पॉइंट जो है, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के लास्ट के दो डिजिट वही होंगे जो 1 से 24 तक के पूर्ण वर्ग संख्या में आते हैं। यानी अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है यानी परफेक्ट स्क्वायर है, तो उस संख्या के लास्ट के दो डिजिट, उस संख्या के लास्ट के दो अंक वही होंगे जो 1 से 24 तक की संख्याओं के वर्ग करने पर आते हैं। जैसे 1 का वर्ग करेंगे तो 0, 1 आएगा, 2 का वर्ग करने से 0, 4, 3 का वर्ग करने से 0, 9, 4 का वर्ग करने से 16। इसी तरह हमें 24 तक की संख्याओं के वर्ग करने हैं, और इन संख्याओं की जो लास्ट दो डिजिट होगी, और अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है तो एक से 24 तक के पूर्ण वर्ग संख्याओं में आते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग है और कौन कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं है। हमें एग्जाम्पल दिया है 60, 39, 71, हमें बताना है कि यह संख्या पूर्ण वर्ग है या फिर नहीं। तो हमें सबसे पहले इस संख्या का इकाई अंक चेक करना है, यानी लास्ट की जो डिजिट है उसे चेक करना है, उसे देखना है कि 2, 3, 7, 8 इनमें से कोई संख्या है या फिर नहीं। अगर किसी संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। इसका मतलब है यह संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है क्योंकि इनमें से कोई भी अंक इस संख्या के लास्ट में नहीं है, तो यह संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है। लेकिन हमने दूसरा पॉइंट पढ़ा है, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के लास्ट के दो डिजिट वही होंगे जो 1 से 24 तक के पूर्ण वर्ग संख्या में आते हैं। क्या 1 से 24 तक की संख्याओं के वर्ग करने पर लास्ट दो डिजिट 71 आते हैं या नहीं? तो 1 से 24 तक की संख्याओं के वर्ग में 71 कहीं नहीं आता है, इसलिए यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। दूसरा एग्जाम्पल है, पहले हमें इस संख्या की लास्ट डिजिट यानी इकाई का अंक चेक करना है, क्या इनमें से कोई अंक है, 2, 3, 7, 8 इनमें से कोई अंक नहीं है। इसका मतलब यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। फिर हमें देखना है कि 1 से 24 तक की संख्याओं के पूर्ण वर्ग में लास्ट दो डिजिट क्या 59 आती है? तो 1 से 24 तक के पूर्ण वर्ग संख्याओं में 59 कहीं नहीं आता, तो इस वजह से यह संख्या भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 36, 42। हमें बताना है कि यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है या फिर नहीं। तो सबसे पहले हम इस संख्या की लास्ट डिजिट यानी इकाई का अंक चेक करते हैं, क्या इनमें से कोई संख्या है, 2। तो इस संख्या की जो लास्ट डिजिट है वो 2 है, और हमने पढ़ा है कि अगर किसी संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 इनमें से कोई अंक है
तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो इस संख्या के अंत में जो इकाई का अंक है, इस संख्या का जो इकाई का अंक है वह 2 है, इस वजह से यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 42, 43, 7। हमें बताना है कि यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है या फिर नहीं। इस संख्या की जो लास्ट डिजिट है, यानी जो इकाई का अंक है, क्या इनमें से कोई संख्या है, 2, 3, 7, 8 में से? तो इस संख्या का जो इकाई का अंक है वह 7 है। तो इस वजह से यह संख्या भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, 32, 76, 1। हमें बताना है कि यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है या फिर नहीं। इस संख्या की जो लास्ट डिजिट है, यानी इकाई का जो अंक है, वह 1 है, यानी इन संख्याओं में से यह संख्या नहीं है। तो इसका मतलब है यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। अब हमें इस संख्या की लास्ट 2 डिजिट चेक करनी है, क्या यह 1 से 24 तक के पूर्ण वर्ग संख्या में आता है, 61। तो हमने देखा कि जब हम 19 का वर्ग करते हैं, जब हम 19 का वर्ग करते हैं, तो 19 का वर्ग होता है 361, जो इस संख्या की लास्ट 2 डिजिट भी 61 ही है। तो इसका मतलब है यह संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी यह संख्या परफेक्ट स्क्वायर है। 20, 16, 4। हमें बताना है कि यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है या फिर नहीं। तो इस संख्या की जो लास्ट डिजिट है, यानी जो इकाई का अंक है, वह 4 है, यानी इनमें से कोई संख्या नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। अब हमें इस संख्या की लास्ट 2 डिजिट चेक करनी है कि 1 से 24 तक के पूर्ण वर्ग संख्या में आती है या फिर नहीं। जब हम 8 का वर्ग करते हैं, तो 8 के वर्ग में 64 आता है। तो इसका मतलब यह है कि यह संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है, 38, 68, 22 में कम से कम कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो सबसे पहले हमें यह संख्या लिख लेनी है, 38, 68, 22। इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से करेंगे। सबसे पहले इस संख्या में हमें पहला ऑप्शन यानी 57 संख्या इसमें जोड़ देनी है। जैसे ही हम इसमें 57 जोड़ेंगे, 2, 7, 9, 2, 5, 7, 8, 6, 8, 3। यानी इस संख्या की जो लास्ट डिजिट है, यानी जो इकाई का अंक है, वह 9 है, यानी 2, 3, 7, 8 में से कोई नहीं है, यानी 2, 3, 7, 8 अंक में से कोई नहीं है। इसका मतलब यह है कि यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। अब हमें इस संख्या की लास्ट 2 डिजिट चेक करनी है कि 1 से 24 तक के पूर्ण वर्ग संख्या में यह संख्या कहीं आती है या फिर नहीं। तो यह संख्या कहीं नहीं आती, इसका मतलब यह है कि यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यानी ए ऑप्शन हमारा गलत है। अब हमें बी ऑप्शन रखना है यहाँ, यानी 38, 68, 22 में बी ऑप्शन जोड़ना है, यानी 21 संख्या में हमें जोड़ने हैं, 2 और 1 3, 2 और 2 4। यानी इस संख्या की जो लास्ट डिजिट है वह 3 है, और हमें पता है कि अगर किसी संख्या की लास्ट डिजिट यानी इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 है, तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। तो इसका मतलब है
यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यानी बी ऑप्शन हमारा गलत है। अब हमें 38, 68, 22 में सी ऑप्शन जोड़ना है, यानी 62 संख्या जोड़नी है। 2 और 2 4, 6 और 2 8, यानी इस संख्या की जो लास्ट डिजिट है वह 4 है, यानी इनमें से कोई संख्या नहीं है। अब हमें 1 से 24 तक के पूर्ण वर्ग में देखना है कि यह संख्या आती है या नहीं, यानी लास्ट की 2 डिजिट। तो हमें पता है कि जब हम 22 का वर्ग करते हैं तो 22 का वर्ग होता है 484, और इस संख्या की जो लास्ट 2 डिजिट है वह 84 है, और यहाँ भी 84 है। तो इसका मतलब यह है कि यह संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी यह संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसका मतलब यह है कि सी ऑप्शन हमारा सही है, और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, 92, 36, 04 पर कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि यह संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो सबसे पहले हम यह संख्या यहाँ पे लिख देते हैं, यह संख्या हम यहाँ पे लिख लेते हैं 92, 36, 04। तो मैं इस संख्या में क्या घटाए कि यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो सबसे पहले ए ऑप्शन घटा के देखते हैं, यानी 78 जब हम इसमें से घटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ 0 है, यहाँ से दाई लेगी, यहाँ 10 हो जाएगा, और 10 और 4 कितना हो जाएगा, जब यहाँ से दाई लेंगे तो 14, 14 में से 8 गए 6, यहाँ पे 9 बचेंगे, 9 में से 7 गए 2, यानी इस संख्या की जो लास्ट डिजिट है वह 6 है, 2 3 7 8, यह डिजिट यानी इकाई के अंक जिस संख्या में ये होते हैं वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। तो इस संख्या का इकाई का जो अंक है वह 6 है, तो इसका मतलब यह संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है। अब हमें चेक करना है कि 1 से 24 तक के पूर्ण वर्ग में कहीं पर 26 आता है, यानी लास्ट 2 डिजिट 26 आता है। 1 से 24 तक के पूर्ण वर्ग में कहीं पर 26 संख्या नहीं आती, तो इसका मतलब यह है कि यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ए ऑप्शन हमारा गलत है, ए ऑप्शन हमारा गलत है। अब हमें इसमें से बी ऑप्शन घटाना है, बी ऑप्शन दिया है 81। जब हम 81 घटाएंगे, 4 में से 1 गया 3, 10 में से इधर दाई ले लगी, यहाँ जो जाएगा 10, 10 में से 8 गए 2, जो हमारे पास संख्या आई वह 23 है, और इस संख्या की जो लास्ट डिजिट है वह 3 है, और जिस संख्या की लास्ट डिजिट 2 हो 3 हो 7 हो 8 हो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती, और इस संख्या की जो लास्ट डिजिट है वह 3 है। तो इसका मतलब है यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका मतलब है बी ऑप्शन हमारा गलत है। अब हम सी चेक करते हैं, 92, 36, 04 में से हमें सी ऑप्शन घटाना है, यानी 83। 4 में से 3 गए 1, 10 में से 8 गए 2, यानी इस संख्या की जो लास्ट डिजिट है यानी जो इकाई का अंक है वो 1 है, 2 3 7 8 में से कोई नहीं है, तो इसका मतलब है यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। अब हमें 1 से 24 तक की संख्याओं के वर्ग में चेक करना है कि कहीं पर 21 आती है संख्या, 21 संख्या आती है या नहीं। तो आप बोलोगे कि जब हम 11 का वर्ग करते हैं तो 11 का वर्ग होता है 121, जो कि इस संख्या की लास्ट 2 डिजिट 21 है, तो इसका मतलब यह है कि यह संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी सी ऑप्शन हमारा सही है।